जामनगर में बाढ़ का मंजर कैसा है इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। शहर के निचले इलाकों टापू बन गए हैं। नदी का पानी शहर के निचले इलाकों को अपने कब्जे में ले चुका है। बाढ़ की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जामनगर में आई बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में पानी घुस चुका है, सब कुछ पानी पानी हो गया है। सड़कें पानी में तब्दील हो गई है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, बाजारों में पानी है, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है। पूरे शहर को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। ऐसे में लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। जिले के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। एसडीआरएफ की टीम निचले इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नाडियाड के पास शेरडी नदी के पास पानी में फंसे 6 लोगों को बचाया गया। अब आप देखिए कि सड़कें जब दरिया बन जाती है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन नाव से करना पड़ता है और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों का इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की टीम ने किया, ये देवदूत बनके लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं, चुनौतीपूर्ण है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर भी कामयाबी इनको मिल रही है। सेडी नदी में बाढ़ की वजह से पूरा गांव पानी में गरका हो गया है। तस्वीर दिखाऊंगा मैं अभी, न्यूज 18 की टीम पहुंची है खेड़ा के हैदराबाद गांव में। वहां पे लोगों को सीने का तक का पानी इधर पूरा दिख रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीर में कि जो लोग हैं उसके सीने तक का पानी है। गांव में 5 से 6 फीट का पानी पूरा भर गया है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो गाँव में पूरी जो दुकानें है, मंदिर है, पंचायत घर है, आरोग्य केंद्र, सभी जो सरकारी जगह भी पानी में गरका हो गए। बात की जाए इस गाँव में एसडीआरएफ के द्वारा 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया जाए। दूसरी तरफ गांव का जो पूरा रास्ता है वो पूरा रास्ते में पानी घुस जाने की वजह से कितने सारे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, उसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे जब लोगों से बात हुई तब उसको मालूम पड़ा कि इधर 3 दिन से बिजली न होने की वजह से और पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से मुश्किलें भी बढ़ सकती है। उमंग पटेल, न्यूज 18 खेड़ा। वडोदरा की एक यूनिवर्सिटी के मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा, फिर उसे ट्रैक्टर में लादकर वहां से ले जाया गया। उस विशालकाय मगरमच्छ को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरें आप देखिए, यूनिवर्सिटी कैंपस तक मगरमच्छ पहुंच गया क्योंकि बाढ़ आ गई है, शहर पानी पानी है। ऐसे में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा, लेकिन मगरमच्छ को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर हुजूम लोगों का इकट्ठा हो गया मगरमच्छ को देखने के लिए। और आप देखिए कि किस तरीके से एक तो बेहिसाब बारिश हो रही है, मुसीबतें लोगों की बेहिसाब है, ऊपर से जब बाढ़ का पानी आ रहा है तो मगरमच्छ का खौफ, जानवर भी किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं, ये आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति का निर्माण हुआ है और वडोदरा सिटी की बात करें तो लगभग 70% वडोदरा सिटी जो है वो पानी में जो है वो आ गया था और जल भराव की स्थिति है उसका निर्माण हुआ था। अगर बात की जाए वडोदरा सिटी की तो वडोदरा सिटी है उसको मगरमच्छों की जो सिटी है कहा जाता है। कहा जाता है कि एशिया में अगर सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो क्रोकोडाइल है वो रहते हैं तो वो वडोदरा सिटी है और उसकी फुटेज जो है हम आपको दिखाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये विश्वविख्यात एमएस यूनिवर्सिटी है, वहाँ के दृश्य हैं। देख सकते हैं कि महाकाय मगरमच्छ जो है यहाँ से रेस्क्यू करने की जो प्रक्रिया है वो जीव दया प्रेमी संस्था और वन विभाग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी ओर से की जा रही है। लगभग 12 फीट जो है ये मगर की जो है हाइट होगी और 12 फीट के जो मगरमच्छ को रेस्क्यू करने की जो अभी प्रक्रिया है वो की जा रही है। गुजरात में इस समय 27 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 28 अगस्त को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 12 घंटे में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। द्वारका के भानवड़ में 185 मिलीमीटर बारिश होती है, गुजरात में सबसे ज्यादा यह है। बाढ़ के भीषण हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, मदद का भरोसा दिया है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शहर अलग अलग है लेकिन तस्वीर एक सी है, तस्वीर बाढ़ से हाहाकार की है। आसमान
फानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर।